हम लोग को अभी ना सैलरी पता है ना कुछ पता है, ज़बरदस्ती अंदर लॉग इन करने के लिए भेजा जा रहा है, और जो लोग अंदर हैं उनको भी अभी अंदर ही रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। डायल 112 मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन, बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारी एकजुट, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों कर रहे हैं प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। आइए चलते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। लखनऊ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यूपी पुलिस की हेल्पलाइन डायल 112 में काम करने वाली लड़कियां प्रदर्शन कर अपने अधिकार की मांग कर रही है। आपको बता दें, दरअसल मामला यह है कि इन लड़कियों को 9 घंटे की ड्यूटी के बदले सिर्फ 12,000 सैलरी दी जाती है। इस बात को लेकर लगातार डायल 112 मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रही है, अपनी तनख्वाह में 12 से 18,000 रुपये बढ़ाने की मांग कर रही है। इनका कहना है, जो भी रुपया हमें सैलरी के रूप में दिया जा रहा है वह बहुत कम है, ऐसे में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ बड़ी आंदोलन करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं अपना अधिकार का मांग कर रहे डायल 112 मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को यूपी पुलिस जेल के सलाखों के पीछे भेजने की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आगे देखिए इस खबर में। सैलरी पता है ना कुछ पता है, ज़बरदस्ती अंदर लॉग इन करने के लिए भेजा जा रहा है, और जो लोग अंदर हैं उनको भी अभी अंदर ही रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। मुकदमा लिख जाएगा, सबका करियर खराब हो जाएगा, सब अच्छे घरों के लोग।